वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मूंग दाल पकोड़े। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हम इसे बिना भिगोए बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मूंग की दाल, आधा कप छिलके वाली मूंग की दाल, आधा कप बेसन, कटी हुई हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, 1/4 टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टी स्पून हल्दी, 2 टी स्पून ऑयल। ये हमने दोनों दालों को पानी से धो लिया है और इसे कपड़े से पोंछ लिया है। सबसे पहले पैन में हम हमारी धुली हुई दाल डालेंगे और इसे रोस्ट करेंगे। इसे हमें 5 से 6 मिनट तक रोस्ट करना है। ये हमारी दाल रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। ये हमने दाल को दरदरा पीस लिया है। एक बर्तन में हम हमारी पीसी हुई दाल डालेंगे। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 कप गरम पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और धनिया और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम पकोड़े तैयार करेंगे। अगर आपके पकोड़े सेट नहीं हो रहे हैं तो आप इसमें बेसन और डाल सकते हैं। पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर ले। ये हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हमारे मूंग दाल के पकोड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।